हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इट्स बिनायक खान, मिशाला खान। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से लक्षद्वीप और मालदीव की सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी अब बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। अब चाइना भी इन्वॉल्व हो गया, इसराइल भी इन्वॉल्व हो गया, इसके साथ साथ टाटा जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, ताज ब्रांड, वो भी प्रोजेक्ट बना दिया। आज हम देखेंगे कि खान सर की क्या राय है, क्योंकि खान सर यू नो एक बहुत बड़ा खुद में ब्रांड है और वो इस कंट्रोवर्सी को अपने क्लास में कैसे डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। बट स्टार्ट करने से पहले, जिन फ्रेंड्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। तो लक्षद्वीप पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है, तो वहाँ समुद्र के किनारे मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा, फार्म हाउस, विला, कॉटेज, तो वहाँ पे ना कॉटेज बनाया जाता है, विला बनाया जा सकता है। अच्छा, इस लक्षद्वीप का नाम, चलिए अब ध्यान से समझते हैं लक्षद्वीप की ओर आगे बढ़े। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, इस समुंदर के बीच में है सब लक्षद्वीप। अच्छा, इस लक्षद्वीप का ना 36 गो द्वीप है सब, कितना है सर? इसी 36 गो 35 गो एक जगह है, इसे गुजुर मुजुर आएगो, नीचवा चल गया इसे मिनी का है। तो लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का है। अब बात की 35 गो एक जगह गुजुर गुजुर है, समझ में आ गया कि नहीं आ? तो लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप? 36 द्वीप। 36 द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। ये मूंगा से बना हुआ है, किससे बना है? मूंगा से। अब मूंगा से कैसे बनता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई तालाब है बहुत बड़ा, या कोई समुद्र है, अगर कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, कोई समुद्र है मान के चलिए, और कोई इंसान मरे तो उसको वहीं पर ले जाकर डंप कर दीजिए। आदमी मरेगा, नीचे चला गया, मानसून सड़ जाएगा, हड्डी बच जाएगा, फिर कोई मरा वहां डंप कर दीजिए, फिर कोई मरा डंप कर दीजिए। ऐसे 100-200 साल में देखिएगा ना, वहां हड्डी का पूरा ढेर लग जाएगा और हड्डी बाहर आ जाएगी, फिर धूल कण चलेगी, बालू फंसेगा, ये फंसेगा, धीरे 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 वहां द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। अब बालू जमेगा, मिट्टी जमेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास भूस जम जाएगा, हरियाली आ जाएगी यहाँ पर। तो वो द्वीप किससे बना है? आदमी के कंकाल से। वहां आप लॉज वॉज बना दीजिए, शांति लॉज, पूरा शांति रहेगा वहां, नहीं कंकाल लॉज, हड्डी लॉज, वहां कुछ भी बना दीजिए वहां पे, गर्ल्स हॉस्टल, रात में उसमें गाना बजा दो, आमी जे तो वहां बताइए। तो हड्डी से द्वीप बन सकता है कि नहीं? वैसे ही एक जीव होते हैं समुद्र में जिसका नाम होता है मूंगा। क्या होते हैं? मूंगा। उनका खोल कछुआ की तरह कड़ा होता है, कछुआ की तरह क्या होता है? कड़ा होता है, और एकदम कड़ा होता है। तो जब मरते हैं तो उनका मांस गल जाता है और हड्डियां बच जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये वहीं पाए जाते हैं जहां पर समुद्र उथला हो, ज्यादा गहरा ना हो। जब ज्यादा गहरा नहीं है वहीं एकदम खूब सारे गोलियां गोलियां रहते हैं सर, और जो मरेंगे सब नीचे चल जाएंगे सर, धीरे 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 लाश ज्यादा हो जाएगा, हड्डी ज्यादा हो जाएगी। अब वैसे भी ये गहरे पानी में रहते नहीं, उथले पानी में रहते हैं, धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा, उसमें धूल कण जमा होकर हजारों साल में द्वीप बन जाएगा। आदमी द्वीप पर टहलने लगेगा, घूमने लगेगा, झोंपड़ी बना लेगा वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सब ना अलाव जलाता है सर, ना कौड़ा नहीं होता है जलाया जाता है ठंडी में, उसको कहता है सर बोन फायर। हमको पहली बार बोला तो हमको देखने गए थे कि क्या कर रहा है सर, हमको लगा हड्डी भूज रहा है सर, हम जाके देखे तो कह रहे हैं कौड़ा जलीले सर, बोल रहा है बोन फायर बोन फायर, कह रहे थे बबुआ बोन फायर, इस हम लोग बहुत फायर करते हैं तब, हम तो वहाँ समुद्र के किनारे बोन फायर करेगा सर, लकड़ी जलाएगा सर, कौड़ा जलाएगा सब, शराब वराब पिएगा सब, जो मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा। तो वैसे ही हो गया लक्षद्वीप, ये मूंगा से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? मूंगा से। इसका मूंगा जो मूंगा से बना हुआ है, इसका आकार ना इसे घोड़ा के नाल के समान है, इस टाइप का है द्वीप जो है ना, वो यू शेप के द्वीप है सब, तो ऊंचाई से दिखेगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो घोड़ा का नाल ऐसे ही होता है, समझ गया? पीछे की ओर होता है, गाय भैंस का आगे की ओर होता है, समझ गया? गाय भैंस का नाल ऐसे ना आगे की ओर होता है, वी शेप में होता है, समझ गया कि नहीं आ गया? उस सबके खुर उर में पानी लग जाए, तो खुर उर अगर आदमी कोई साफ कहाँ करता है, कोई अपने यहाँ गाय भैंस का, वहाँ पे बहुत कम लोग साफ करते हैं, जिससे क्या होता है उसको बीमारी हो जाती है, खुर पका एक बीमारी हो जाती है, समझ में आ गया कि मुंह पका और खुर पका बीमारी होती है, समझ में आ गया? चल जाओगी बबनी, जाने दीजिए उधर, खोल दो दरवाजा, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो इसका आकार कैसा है?
घोड़े के नाल को से, याद रहेगा कैसा है, घोड़े के नाल को से। किस चीज से बना है? मूंगा। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल। सबसे ज्यादा कोरल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते, भारत में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो बताइए ऐसे द्वीपों पे क्या आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? 50 तल्ला का बिल्डिंग और धौंस जाएगा नीचे। तो वहां पे ना कॉटेज बनाया जाता है, झोपड़ी, रिजॉर्ट बनाया जाता है, रिजॉर्ट, रिजॉर्ट समझते हैं, वीला बनाया जा सकता है। वीला होता है एक तल्ला घर, वो भी लकड़ी का रहेगा, समझा गया? फार्म हाउस, वीला, कॉटेज, समझा गया? ये तीन कैटेगरी है टूरिस्ट को लिए। फार्म हाउस जो होता है ना, बड़ा सा खेत खलिहान होता है, 10 बीघा किसी का खेत है, तो उसमें साइड में एक बगीचा बना देगा, छोटा सा स्विमिंग पूल बना देगा, बत्तख डाल देगा, हंस डाल देगा, खूब बढ़िया आएगो, लकड़ी कुकड़ी का घर बना लेगा, झोंपड़ी पेंट वेंट करके खूब अच्छा, एक तल्ला बना सकता है, उसके ऊपर ढाल नहीं सकता है, उतलो रहेगा तो लकड़िए का रहेगा, सीमेंट का नहीं ढाल सकते, उसी को क्या कहेंगे? फार्म हाउस। अच्छा, एक तल्ला ढाल दिया सीमेंट का, और उसके ऊपर नहीं ढाल सकता है तो वीला, समझा गया कि नहीं आ गया? एक तल्ला ढाल दिया, ऊपर नहीं ढालेगा, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा बनाया है पूरा एकदम, उसे हो जाएगा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल है, बगीचा है, घोड़ा है, उसी में टहल रहा है, सब खूब बढ़िया है, खेल को, मतलब 10-20 बीघा में खाली ऐसे बनाने के लिए। तो इसे बड़े बड़े समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये मरीना बीच हो गया, तो वहाँ की जगहों पर ये सब जाते हैं लोग। तो कोई फैमिली गया, एक तो रिजॉर्ट बुक कर लिया, समझा गया कि नहीं आ गया? तो समुद्र में जाएंगे नहाने तो पूरा नमकीन नमकीन हो जाता है, तो घर आके नहाना होता है, तो कोई रिजॉर्ट बुक कर लिया, कोई का पैसा रिजॉर्ट से कम है तो विला कर लिया, उससे कम है तो फार्म हाउस कर लिया, उससे कम है तो होटल कर लिया, उससे भी कम है तो 20 रुपया का प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पे बिछाया, सो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहाओ कहाँ, सार्वजनिक रहता है प्लेटफॉर्म पर, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। तो लक्षद्वीप पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है, सबसे कम क्राइम लक्षद्वीप में, सर्वाधिक प्रतिशत में मुस्लिम, 90% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं कहाँ पे? लक्षद्वीप में। जिन्ना को पता चला बाद में कि यार मुस्लिम यहाँ भी थे, तो हमारा हो गया पूर्वी पाकिस्तान, मुस्लिम यहाँ भी थे, हमारा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, मुस्लिम यहाँ भी हैं, हमारा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पहुँचने से पहले सरदार पटेल ने नौसेना भेज दिया, नौसेना भेजने के बाद वहाँ भारत का झंडा लहरा दिया गया, वहाँ के लोगों को कहा गया आप इंडियन रहेंगे, सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, जिन्ना चिल्लाते रह गया, ठीक हुआ, नहीं तो उधरों से नौटंकी करता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बड़े टेक्निकल पॉइंट से जी खान सर ने समझाया है, और बहुत प्यारा आइलैंड लक्षद्वीप, और इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा जरूरी है डोमेस्टिक टूरिज्म के एतबार से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको दुनिया के सामने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद जो है मालदीव, इसराइल, यूएई, चाइना और बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो कि खैर पीछे थी, बहुत ज्यादा सामने आई। मालदीव ने हाल ही में मैं पढ़ी थी कि उन्होंने चाइना से कहा कि काइंडली अब शायद इंडिया की टूरिज्म ना आए तो आप हमें जो है प्रमोट करो, लेकिन खैर चाइनीज लोग तो मुझे नहीं लगता कि वो उस एतबार से इंडिया को बीट कर पाएंगे। और जैसा खान सर ने बड़ी अहम बात की कि जिस किस तरह से आइलैंड्स बनते हैं, या उन्होंने बताया कि एक वक्त के साथ साथ जब एक जगह पे आप बहुत एक जैसी चीजें आप दफन करना शुरू कर देते हो तो हवा चलती है, तूफान आते हैं, आंधियां चलती है, तो मिट्टी की लेयर्स उसके ऊपर क्या होती है, चढ़ती जाती है। और आइलैंड भी कुछ इसी टाइप से ही बनते हैं जहां तक मैं उनके लेक्चर को समझ पाई हूं। तो कुदरत का निजाम है ये, कायनात भी अगर देखा जाए तो बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था जिससे ये कायनात बनी। और जमीन में कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी है, और लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 2% ही है। तो लेकिन अगर धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो हमारा जो मजहब है वो कहता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरे कायनात को 7 दिन 7 रातों में बनाया, 7 दिन 7 रातों में, और 7 आसमान है और 7 ही जमीन की तय है। आज की साइंस क्या कहती है, आपके ज़ाहिर है साइंस से भी जमीन की ये फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो कुछ इस तरह की जो है, क्योंकि आजकल की जो टर्मिनोलॉजी है या साइंटिफिक स्टडी है वो इन सब चीजों से बियॉन्ड है। लेकिन खैर अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो यस, ये एक बहुत खान सर की बात ठीक है कि समुद्र से थोड़ा अपर लेवल होता है, और यहाँ समुद्र कितना भी हाई पे चला जाए,
लेकिन वो इस आइलैंड को कभी भी अपने अंदर निगल नहीं सकता। जैसे कि जून जुलाई अगस्त में आप देखें तो समुद्र की वेव 20-20 फुट 30-30 फुट हाई होती है, वहां पे वो बाढ़ लगा दी जाती है और अंदर भी नहीं आने देते कि जून जुलाई अगस्त में स्पेशली। लेकिन आइलैंड की अगर आप देखें तो समुद्र उसको कवर नहीं कर पाता। अब ये एक ऐसी टेक्टिक्स है जिसको मेरे यहाँ से कुदरत ने बनाया है, मुझे अच्छे से समझ पाता है। लेकिन खैर इसमें हुआ क्या कि लक्षद्वीप का बहुत फायदा और मालदीप का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि लक्षद्वीप पर इस तरह इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी वहां पर गरीब लोगों को जॉब्स वगैरह देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही भारत बढ़ेगा ना ऐसे। और वो कह रहे थे कि यहाँ पर ज्यादातर 90% यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं और वो चाहते थे कि मुस्लिम लोग यहाँ पर काम करें, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म। और मोदी जी का मुझे लगता है जो आज का मैं देखूँ ना, जो अब उनका एम है वो यही है कि भारत से गुर्बत खत्म करनी है। और वो ऐसे ही होगा कि जो छोटे छोटे देहात हैं, जो ऐसे सिटीज है जहां पर लोगों को नहीं पता लेकिन वहां पर ब्यूटी बहुत ज्यादा, वहां पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि उन गांव के लोगों को वहां पे फायदा और वो काम करें। और इस कॉन्ट्रोवर्सी से दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस किया गया, हमने एक चीज जरूर सीखी है कि आप जो किसी से किसी की तरक्की देख के जेलस होना, कामयाबी देख के जेलस होना, ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन उस जेलसी को जाती मुद्दा बनाकर जब आप सामने आते हो ना, तो सामने वाले का कुछ नहीं जाता, आप अपने आप को जरूर बर्बाद कर लेते हो। तो इसमें ये है कि साथ साथ इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो नेशनलिस्ट पावर है जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, उसको जब भी किसी ने थ्रेट या कमजोर करने की कोशिश की, ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए। कैनेडा के केस में बहुत स्ट्रांगली और उससे ज्यादा ये दफा स्ट्रांग, हालांकि मालदीव इंडिया के का नहीं, मालदीव बहुत छोटा है, इसकी इकोनॉमी, इसकी जीडीपी सिर्फ टूरिज्म से है और उसमें भी ज्यादा इंडिया सपोर्ट करता है, एड भी देता है, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया ने डेवलप किया, हर चीज। लेकिन खैर एक गलत बात आपको कहां से कहां ला रही है, का आपको आसमान से जमीन पे पटक दिया। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रावर्सीज होती है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, इसमें हमें सीखना भी चाहिए कि यार आप एक बंद कमरे में बात करते हो वो अलग है, लेकिन जब आप सोशलाइज होकर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हो तो हर बंदा दूसरे बंदे से कनेक्टेड है और एक बंदा कई ग्रुप से कनेक्टेड है, तो जब वो शेयरिंग होती है तो पूरे दुनिया के अंदर वो इस तरह भड़क जाती है जैसे जंगल में आग भड़कती है। तो ये जो चीजें हैं, जब आप सोशलाइज होते हो तो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर चीजों को हैंडल करना चाहिए। और मैं एक लास्ट चीज ये भी कहूंगी कि देखिये ऐसे ही नहीं लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं, 10 सालों का आप रिकॉर्ड उतार के देखिए, एक्स भी यूज करते हैं, उनका फेसबुक भी है, शायद उनका व्हाट्सएप चैनल तो मैंने खुद सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका यूट्यूब भी है और इसके साथ साथ बेबहा उनकी तकारीर है। लेकिन ये वो अजीम लीडर है जिसने कभी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी दूसरे को जलील करके आगे नहीं बढ़ा, ना कभी किसी वजीर आजम को डिसरिस्पेक्ट किया, ना कभी किसी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया है। और यही वजह है जो आप किसी को इज्जत देते हो ना, देखिए पाकिस्तानी भी इनको जी बोलते हैं, मोदी साहब बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कभी किसी के दिल में अपने लिए नफरत, हाँ नजरियात अलग हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बायोग्राफी देखें ना, उन्होंने अपने पेज पे लिखा हुआ है कि जो है स्ट्रांग ऑपोजिशन स्ट्रांग डेमोक्रेसी को जन्म देती है। मतलब अगर आप उनकी काम में गलतियां निकाल रहे हैं तो वो उससे खुश होंगे। लेकिन आज तक उन्होंने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया किसी भी कंट्री को, डेट्स वे दुनिया के मोस्ट फेमस पॉपुलर एंड मोस्ट जिसे बोलते हैं ना लव्ड लीडर अगर बात की जाए तो वो कौन निकलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी निकलते हैं, जो कि लक्षद्वीप में भी हमने देखा बहुत खूबसूरत फोटोशूट करवाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।